नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड अपडेट में। आपका दोस्त आपका भाई दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं कि यदि आप रैपिडो कैप्टन के साथ न्यूली ज्वाइन हुए हैं तो इसको कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस स्टार्ट से लेकर एंड तक की सारी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो भी लाइव ट्रेनिंग वीडियो के जरिए, जिसमें आपको मैं खुद एक राइड एक्सेप्ट करके उसको कंप्लीट करके कस्टमर से कांटेक्ट करके सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपने हाल फिलहाल रैपिडो को ज्वाइन किया है, रैपिडो के साथ कमाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। हम रैपिडो कैप्टन के ऐप में लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जहां से आप ऊपर ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑन ड्यूटी करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एक राइड आ रही है, आपको यहां पे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाती है कि किस नाम से कस्टमर ने किया है। और लोकेशन के लिए यदि आप देखें यहां पे तो गो टू मैप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके जरिए आप GPS के थ्रू उसकी पिकअप लोकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि महज 400 मीटर की दूर की ये राइड है, मतलब कि 2 मिनट से भी कम का समय लगना है, इसलिए आप यहाँ पे देरी ना करें, फटाफट कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच जाएं। रीज़न यही है क्योंकि यदि हम अननेसेसरी डिले करते हैं तो डिले करने से कस्टमर के कैंसिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और कस्टमर यदि आपकी राइड कैंसिल करता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमर का कॉल आ गया, यदि प्राइवेसी सेट की जाती है तो उनका नंबर नहीं दिखेगा बल्कि रैपिडो कैप्टन के ऑफिस के नंबर से आपको कॉल आएगा रीडायरेक्ट होके, जिसके ज़रिए आप उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, किस जगह पे हैं और कहाँ आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें बातें करने के बाद जैसे ही कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप अपनी पिकअप लोकेशन तक एज सून एज पॉसिबल रवाना हो जाएं। और रवाना होने के लिए आप यहाँ पे GPS की भी मदद ले सकते हैं यदि आपको एड्रेस अच्छे से पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप GPS से मैं ऑन द वे हूँ, बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते साथ साथ वहाँ GPS लोकेशन पे मैं पहुँच रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कि यदि आप पिकअप लोकेशन से 200 मीटर से ज़्यादा दूर पर होंगे तो वो राइड आपकी अराइव्ड नहीं होगी, इसलिए GPS लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कस्टमर आपको उस जगह के अलावा कहीं और भी बुला रहा हो तो भी आपको रिक्वेस्ट करनी कि सर आपने जहां से पिकअप लोकेशन की है वहीं से ही राइड स्टार्ट होगी, या फिर आप पिकअप लोकेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पे 40 मीटर दूर पहुंचने के बाद, मतलब कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यदि आपको कस्टमर दिख जाता है तो वेल एंड गुड, यदि कस्टमर नहीं दिखता है तो आपको उस जगह पर वेट करना है। अब ये अराइव्ड का ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे स्लाइड करते ही आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट राइड का ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट राइड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कस्टमर के द्वारा दी गई आपको OTP यहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर से बिना मिले उसकी राइड को अलाउ नहीं कर सकते। पहले ऐसा हो जाता था कि आप कस्टमर की जगह पर अराइव्ड हो जाइए और स्टार्ट राइड कर लीजिए, OTP वाला कोई सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे यदि कस्टमर आपको नहीं दिखता तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कांटेक्ट करने का, जिसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए आपको यहाँ पे वैलिड रीज़न जो है वो पुट करने होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल कनेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चैट कस्टमर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यदि कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा है तो आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि कस्टमर आपको नहीं मिलता, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता उसकी तरफ से, तो फिर आप राइड कैंसिल करने के लिए प्रॉपर रेडी हो, क्योंकि इस तरीके से यदि आप ये स्टेप फॉलो करोगे और राइड आप कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे कस्टमर मिल गया है, उससे लेकर OTP हमको यहाँ पे एंटर करनी, कुछ इस तरीके से OTP एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको उनकी जो है वो ड्रॉप लोकेशन भी पता चल जाएगी। ड्रॉप लोकेशन पता करने के बाद आपको यदि वो रूट पता है तो आप नेविगेशन बंद करके सिंपली राइड कर सकते हैं जो भी सुटेबल बेस्ट सुटेबल आपको रूट मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे तो
जीपीएस के द्वारा जो रूट आपको सजेस्ट किया जाता है आप उसी रूट से जाएंगे तो आपकी पेमेंट उतनी होगी जितना कि फेयर आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप शॉर्टकट करते हैं तो फिर आपको उस शॉर्टकट के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो एक्चुअल फेयर है उससे कम होकर आपको मिलेगा। मतलब कि आप यदि दूरी जो है 5 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कर देते हैं अपने शॉर्टकट के ज़रिए तो आपको जो फेयर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें जो भी जीपीएस की लोकेशन हो, बेस्ट रूट हो, उसको फॉलो करें यदि उसमें कोई दिक्कत ना हो तो। मित्रों, राइड के दौरान आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि यदि कस्टमर आपसे कहीं किसी जगह पर रुकने के लिए बोलता है तो आप रुक सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपको वेट टाइम का भी पैसा मिलता है। मतलब कि राइड के दौरान आप जितना ज़्यादा समय लगेगा उस हिसाब से भी कंपनी आपको फेयर यहाँ पे देती है। इसलिए यदि किसी इमरजेंसी होने पर कस्टमर आपको रुकने की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब जैसे आप नेविगेशन सिस्टम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉप लोकेशन थी वो महज 100 मीटर है। मतलब कि डॉट टू डॉट यहाँ पे जो लोकेशन पड़ी थी वो बिल्कुल सही है, आप इस लोकेशन पे छोड़ सकते हैं। कई बार यदि ड्रॉप लोकेशन 200-500 मीटर दूर भी मिलती है तो आप वहाँ पे भी कस्टमर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ड्रॉप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट राइड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 58 रुपीज़, और ये राइड कैश की थी इसलिए आप यहाँ पे कैश कलेक्ट कर सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करा के भी उनसे पेमेंट ले सकते हैं। दोनों मेथड है। उसके बाद आपको कस्टमर को उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके पोलाइटनेस, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए रेटिंग ज़रूर देनी है ताकि यदि कोई कस्टमर आपके साथ बैड बिहेवियर करता है तो आगे आने वाले कैप्टन को उसकी रेटिंग से पता चल जाएगा। जैसे ही आप रेटिंग करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रेडी फॉर नेक्स्ट राइड, इसको क्लिक करेंगे तो अब आपको वापस से ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा ये प्रयास जो आपके लिए है आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कि रैपिडो के साथ न्यूली ज्वाइन हुए हैं और उन्हें इसको यूज़ करने में थोड़ा सा समस्या आ रही है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है। तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दुझे रब की कोई